चैनल जूनियर भाई, मैं शिवम संजय श्रीवास्तव आज वापस से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं आपको एक अच्छा सा ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। इसे कैसे हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, वही मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग केक बनाने चलते हैं। चलिए हम लोग हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट स्पंज ले लिया है, आप देख सकते हैं एकदम स्पंजी है ये, जितना भी दबा रहा हूँ वापस उठ जा रहा है। ऐसा ये केक कैसे बनाते हैं इतना स्पंजी केक, वो भी बिना एग के, वो मैंने इसका वीडियो मैंने कल ही डाला है। आप चाहिए तो मेरे जो चैनल है उस पर आके चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग ये जो स्पंज है उसके ऊपर का ये जो है कव, इसे काट देंगे। इसका सिरा मैंने काट दिया है। अभी इसके बीच में से दो पार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग हाफ के जी का केक बना रहे हैं, 1 kg का बनाते तो हम लोग 3 पार्ट कर देते। अगर ये थोड़ा और इसका थिकनेस मोटा भी होता तो भी हम लोग 3 कर देते, लेकिन अगर इसका 3 करने जाएंगे तो बहुत छोटा छोटा होगा और ये अपने अच्छे से हाथ में नहीं आएगा। बिगनर्स 3 एक ही बार ना करें। मैंने एक बनाया था लेकिन वो वीडियो में से डिलीट हो गया है, तो उसके लिए मैं वो आपको पोस्ट नहीं कर पाया। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी इसे दो पार्ट में हम लोग कट कर देते हैं। दोनों पार्ट एकदम कट हो गए हैं एकदम सेंटर से, आप देख सकते हैं। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लोग नीचे रखेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसे ऊपर रखेंगे, ताकि हम लोग जब क्रम कोट करें तो ये ऊपर इसके नीचे वाला पार्ट जो रहता है वो एकदम बराबर रहता है, तो उसकी वजह से अच्छे से हमारा क्रम कोट हो जाए, उसके बाद हम लोग का केक भी फिर अच्छा बनेगा। तो अभी नीचे वाला पार्ट ऊपर ले देते हैं, उसके बाद क्रीम लगाते हैं। तो ये मैंने ऊपर वाला पार्ट नीचे रख दिया। अभी इसके अंदर चीनी पानी का घोल मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि ये जो हमारा जो स्पंज है और सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद जब हम लोग खाए तो एकदम टेस्टी लगे। और इसके अंदर जब आप स्पंज बनाते हैं तो चीनी थोड़ा कम डालिए, ताकि जब हम लोग ये चीनी का पानी इसके ऊपर डालते हैं तो ये उसको मैनेज कर लेता है। तो इसको मैंने एकदम कम चीनी डाल के बनाया था, तकरीबन हाफ बाउल या फिर आप कह सकते हैं कि 75 ग्राम से भी कम, हाफ के जी केक में। तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर हम लोग क्रीम लगाते हैं, तो जितना हो सके उतना क्रीम हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे, जितना आए इसके ऊपर, बस ज़्यादा नहीं रखना है, ऐसे घुमा के फैला देंगे अच्छे से। एक्स्ट्रा क्रीम हम लोग ऐसे निकाल लेंगे साइड करके, बाहर की साइड, फिर वापस ऐसे घुमा के ऐसे लेवल कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड लेयर रखेंगे और वापस से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो सेकंड लेयर मैंने रख दिया है, अभी इसको वापस से चीनी का पानी पिलाऊंगा मैं ये वाला, उसके बाद वापस से हम लोग क्रीम लगाएंगे। अभी इसके ऊपर फटाफट हम लोग क्रीम भर देते हैं जितना हो सके। तो इसके ऊपर ढेर सारा क्रीम मैंने डाल दिया है। अभी जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही इस साइड से, जिस साइड ज़्यादा क्रीम पड़ा है उस साइड से हम लोग चालू करेंगे घूमना, और इसको एकदम लेवल करेंगे हम लोग, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, एकदम बराबर। और अभी नीचे भी लगा के हम लोग ऐसे ही घुमाते रहेंगे ताकि साइड में भी अच्छे से क्रीम लग जाए। इस वाले केक में हम लोग क्रम कोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाफ के जी का केक है, फटाफट हो जाता है और हमारा जो क्रीम भी है एकदम परफेक्ट है, तो हम लोग को क्रम कोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रम कोट वो होता है जब हम लोग क्रीम सिर्फ उसके थिकनेस के हिसाब से ही लगाए, इतना मोटा जाड़ा क्रीम नहीं। हम लोग वैसे करके उसके फ्रिज के अंदर रखते हैं, वो यूजुअली हम लोग 1 kg के केक में करते हैं, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए जो उसका नीचे वाला क्रीम है दोनों लेयर्स के साथ। तो इधर 2 ही लेयर्स है तो हम लोग को कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसे पूरा अच्छे से लेबल कर देते हैं हमारे स्क्रैपर और ये नाइफ से। तो हमारे केक की एजिंग कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से एजिंग हो गई है इसकी। अभी हम लोग इसे एक अच्छे से पैलेट पे निकाल देंगे केक के बोर्ड पे, ताकि ये अच्छे से हम लोग इसे कहीं भी उठा के लेके जाए। तो इसके लिए पैलेट नाइफ को मैं ऐसे नीचे रखूँगा, तो ऐसे हल्का सा गोल गोल घुमा के सेंटर में ला के इसे धीरे से उठा के ये पैलेट के ऊपर रख दूँगा। उसके बाद निकालने के टाइम हम लोग को ध्यान देना है, निकालना बहुत मुश्किल होता है इसमें से, पर इसे सेंटर पर करेंगे हल्का सा, उसके बाद धीरे से ऐसे नाइफ को नीचे की साइड दबा के घींच लेंगे और ये अच्छे से हमारा पैलेट पर आ गया। एक्स्ट्रा जो क्रीम निकला है उसे हम लोग साफ़ कर देंगे, उसका डेकोरेशन चालू करते हैं इसका। चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर ये हॉट चॉकलेट डालते हैं। ये एकदम ठंडा कर दिया है मैंने, चॉकलेट को अच्छे से पिघला दिया है, जो डार्क चॉकलेट यूजुअली मिलता है केक शॉप पे। तो अभी इसे हम लोग अच्छे से डाल के फैलाएंगे, ज़्यादा डालना है, अच्छी सी मोटी लेयर होनी चाहिए चॉकलेट की, बस। और इतना हम लोग डिप के लिए छोड़ देते हैं साइड में डिप गिराने के लिए। अभी जो हमारा पैलेट नाइफ है उसकी मदद से इसे ऐसे फैला देते हैं, सब साइड पे इवनली स्प्रेड होना चाहिए एकदम बराबर। पैलेट नाइफ को ज़्यादा जोर से नहीं डबाना है, बस। अभी हम लोग इसका जैसे डिप गिर रहा है वैसे ही डिप बना देते हैं। तो उसके लिए एकदम एज पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे चॉकलेट गिराएंगे, वो अपने आप सरक के नीचे चला जाएगा, आप देख रहे हैं ऐसे ही हम लोग सब जगह कर देते हैं। ऐसे डिप गिराने के बाद हम लोग ऐसे गोल गोल अपने जो टर्न टेबल है उसे घुमा लेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस इसके ऊपर एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो सारा नीचे आ जाए, सारा डार्क चॉकलेट नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर फ्लावर्स बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार नोजल में एक क्रीम जो हम लोग का बचा हुआ था वो भर के ले लिया है। तो हम लोग ऐसे ऐसे दबा के छोटे बड़े कोई भी साइज़ का ऐसे फ्लावर बना लेंगे। ऐसे ही मैं पूरे इसके ऊपर हर जगह बिना स्पेस छोड़े सब जगह ऐसे बना के रख देता हूँ। तो ये मैंने सब जगह पे अच्छे से ये फ्लावर बना के रख दिए हैं। अभी नीचे के साइड भी हम लोग इसी से ऐसे हल्का सा डिप लगाएंगे, आप देख सकते हैं
इससे भी ये थोड़ा कलरफुल डिज़ाइन वाला लगेगा। ऐसे करके हम लोग सब जगह ये बना लेंगे। तो अभी लास्ट स्टेप बस बचा हमारा, ये भी अच्छे से हो गया है हर साइड से। आप देख सकते हैं अभी से कितना प्रिटी लग रहा है, मन कर रहा है अभी काट लें इसे। तो अभी हम लोग इसके ऊपर चेरीज लगाते हैं। ये ऐसी चेरीज मैंने ले ली है, ऐसी चेरीज आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिए हैं। तो ऐसे करके एक एक करके दो दो के डिस्टेंस पे या तीन तीन के हम लोग रख सकते हैं। मेरे पास और भी है तो मैं अच्छे से रख सकता हूँ। ये वैसे भी 25 का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, तो आप कितना भी लगा सकते हैं, उसके अंदर ज़्यादा रहता है। और एक और लगा देता हूँ मैं बीच में, क्योंकि एक ही स्पेस बचा उधर। और ये हो गया, और ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी हो गया है। अगर आपको चाहिए तो आप बीच में अलग से चॉकलेट भी इधर गिरा सकते हैं, चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट रहता है उसे अच्छे से क्रम करके। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगा ये कैसा लग रहा है। तो मेरे कट करने के अंदाज से ही आपको मालूम चल गया होगा कि कितना सॉफ्ट बना है और कितना टेस्टी होगा, हो सकता है ये। आप देख सकते हैं क्रीम चॉकलेट सब एकदम बराबर है और एकदम लेयर में लगा है। तो ये हमारा केक अभी रेडी हो गया है। आप मेरा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे को आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं हर नया वीडियो आप पहले देख पाएँ। थैंक यू।